मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, और ये आर्मी का स्टॉल है जिसमें हर चीज़ ये है कि ये एक लाइफ सेविंग रोबोट है जो कि यहाँ आया गया है। इसका अच्छा काम ये है कि ये बम डिस्पोज करने के लिए यूज़ हो रहा है, ये बाहर से मंगाया हुआ है लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अच्छी चीज़ें इसमें इतनी सारी हैं कि इसके फीचर्स आप अनगिनत हैं। जैसे इसके ऊपर लगे हुए ये मूवमेंट आप चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर लगे हुए जो चार रैकी कैमराज हैं उनकी मदद से हम बम को उस प्लेस पर जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान खुद नहीं पहुंच पाता है, पता नहीं होता कि वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए जगह, तो ये कैमरा जो है वो उसे डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो इन्हीं में लगी हुई ये जो डिवाइस है इसकी मदद से बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। बम को जो है वो जज किया जाता है, उसके बाद एक यहाँ पर रखा गया है इनका ये रिपीटर जो ऊपर लगाया जाता है, जिसकी मदद से जो है वो 200 मीटर तक उस बम को लेने के बाद उसके वायर्स कट करने के लिए ये एक चीज़ इस्तेमाल की जा रही है जिसका नाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो यूज़ करने के बाद उसके कट होने के बाद वायर उस जगह से जो है वो ये रोबोट मूव करवाता है 200 मीटर तक, ये अपनी बेस से मूव कर सकता है, सेविंग प्लेस पे इसको मूव कर देते हैं ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। जानी नुकसान के साथ साथ वक्त की भी बचत है, दूसरा जान भी बच रही है। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पूरे प्रोसेस में एक टाइम लगता है, वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। इस पूरे ऑपरेशन को EOD ऑपरेशन का नाम दिया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हमेशा ही हम देखते हैं कि ना सिर्फ सरहद पर बल्कि जो है वो हमारे फ्लोर्स पे भी हमें बहुत सेफ करने में उनका किरदार है। तो ये रोबोट इस आर्मी नुमाइश में लाने का मकसद ही ये है कि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके से हम जो है वो अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ तो ये 26 वो कंट्रीज़ हैं जिसमें ये ट्रेनिंग्स हुई हैं, राइट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर जो है ये सरवकास हैं जो बता रहे हैं सब कुछ इसकी डिटेलिंग के हवाले से। ये जो जनाब हैं ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देते हैं, एंड ही इज़ ऑपरेटिंग फॉर दैट रोबोट। ये रोबोट को ऑपरेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है और उसके बाद इसमें ये जो मूवमेंट है ये कैमराज ये मूवमेंट इसीलिए कि जो बम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखे होते हैं जिनसे जानी नुकसान हो सकता है उन्हें भी सेविंग प्लेस पे ले जा कर वो डिस्पोज किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, नेक्स्ट भी आपको इसी बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह इंजॉय करें इस एग्जीबिशन के। इस एग्जीबिशन का मेन मकसद ये होता है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, अगर हमारा जो पहला होता है हमारी आर्मी की तरफ से वो यही होता है कि अगर हमारे दुश्मन जो है जो अगर हमारे मुल्क की तरफ मेरी आँख से देखेगा तो उसे ये बावत करवा दें कि हमारी फोर्सेस के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो असला मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनकी मदद से वो जो है वो बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को सेव कर सकते हैं। दूसरा ये एक इवेंट होता है जो इंटरनेशनल इवेंट कहलाता है, जिसमें बहुत से बाहर से मंदोबीन आते हैं, वो भी चीज़ों को पसंद करते हैं, और वो ये देख के बहुत हैरान है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और बहुत सारी कंपनीज की जानिब से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो 4 साल बाद ये एग्ज़िबिशन हो रही है और इस एग्ज़िबिशन का मकसद ही ये था कि हम सेव कर सकें अपने मुल्क को, और बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजीज़ थी जो कोरोना की वजह से कुछ रुक गए